हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम कुक। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नमक पारे की रेसिपी। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं, मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया है, काला नमक, सफ़ेद नमक, कलौंजी, अजवाइन और रिफाइंड ऑयल लिया है मोइन के लिए, और यह मैंने मैदा लिया है और पानी लिया है डो बनाने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर मैं सारे इंग्रेडिएंट डाल दूंगी। काला नमक अजवाइन डालने से डाइजेस्ट बहुत अच्छे से होता है, इसलिए काला नमक और अजवाइन ज़रूर डालें। तो मैं अजवाइन को थोड़ा हाथों में क्रश करके डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम अपने मोइन के लिए रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे। 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है। पहले थोड़ा ही डालेंगे, फिर चेक कर लेंगे हम मोइन परफेक्ट है कि नहीं। चेक करने के लिए हम हाथों में थोड़ा सा आटे को लेंगे और इसे बांध के देखेंगे। जब ये लड्डू की तरह बनने लगे तो यानी हमारा परफेक्ट एकदम मोइन है आटा गूंथने के लिए। तो अब हम इससे डो बना लेंगे, एकदम टाइट सा डो बनाएंगे, जैसे हमारी पूड़ियाँ बनती है ना, उससे थोड़ा टाइट बनेंगी डो। और इसके ऊपर हम रिफाइंड ऑयल अप्लाई कर देंगे ताकि हमारा डो सूखे नहीं, और 10 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे। तो ये देखिए 5 मिनट हुए हैं, ये परफेक्ट है एकदम। जो भी डो बना है ये एकदम सही आया है। तो हाथों से मसल लेते हैं। तो अब चलिए हम इसके बॉल्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने बड़े बड़े 5 बॉल्स तैयार किए हैं, तो मैंने बाकी के काट के रख दिए हैं। ये लास्ट में आपको दिखाती हूँ कैसे रोल करना है इसको। थोड़ा मोटा ही रोल करेंगे हम इसे। ये देखिए एकदम पतला नहीं बेलना है रोटी की तरह, इसका मोटा बनाना है बेस। और इसे काट लेते हैं चाकू की हेल्प से। आप स्क्वायर काटना चाहें काट सकते हैं, या फिर नमक पारे जिस शेप के होते हैं वैसा भी काट सकते हैं, जैसे काजू कतली होते हैं वैसे। तो मैं काजू कतली के शेप की काट रही हूँ, डायमंड शेप। तो आपकी शेप जो भी पसंद हो, जिस शेप की पसंद हो आप काट सकते हैं। तो ये देखिए मैंने नमक पारे को काट के रेडी रखा है, मैं निकाल लेती हूँ इसे। तो यहाँ मेरे रेडी हैं, अब मैं इसे फ्राई करूँगी। तेल रखा है कढ़ाई में, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए तेल, वरना ये डालते के साथ रेड हो जाएंगे। तो ये देखिए इतने ही गर्म होने चाहिए कि ये नीचे बैठे अभी जाके। तो अभी हम डाल लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा अलग कर लेते हैं इसे। ऐसे लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे, 5 मिनट छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद देखिए ये धीरे धीरे अपना कलर चेंज करेंगे ये। तो आप अगर लो फ्लेम पे बनाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, अगर आप हाई फ्लेम कर देंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे और कलर आ जाएंगे। तो ये देखिए अभी मैंने मीडियम कर दिया है, हो गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, इतने भी एक्स्ट्रा ऑयल है निकाल लिए है। ये देखिए मेरे नमक पारे बनके रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर।